Now again another C examples, what is the output of given case? इस केस में again provide किया array declaration है with 4 elements. Array के केस में जस्ट मैंने base address है जो कि है 100, then remaining element का address क्या 102, 104 and 106 according to 16 bit C compiler. Plus अगर किसी location का address है ना तो उसी का other name क्या हुआ star n, क्योंकि star operator always apply किसके लिए होता है address के लिए. Plus ये return क्या करता है value of that address, clear? In that case, sub means second case में जस्ट provide क्या किया two extra variable declaration, variable I and pointer variable P. I को create करने के जस्ट purpose क्या है? Iterating elements of array using looping statements. P के केस में आसान हुआ A. A means array name. इस केस में क्या represent किया? Block name. वो block name के place पर replace क्या होता है? Block के first element के address which is 100. Then P में क्या आसान हो जाए? 100. P का टाइप क्या है इस केस में? इंटीजर पॉइंटर. तो P 100 लोकेशन से कितने बाइट्स पॉइंट करेगा? ओनली 2 बाइट्स, बिकॉज़ इंटीजर पॉइंटर कैन पॉइंट्स ओनली 2 बाइट्स. नेक्स्ट केस, इस केस में जस्ट लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, तो एग्जीक्यूशन केस में इनिशियली I में इनिशियलाइज हो जाएगा वैल्यू है 0. देन कंडीशन टेस्टिंग 0 लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू. इस फाइनली लॉजिकली इस लूप का एग्जीक्यूशन कितनी बार होगा? 4 टाइम्स. देन इस केस में परफॉर्म क्या हो रहा है? स्टार P इक्वल्स टू स्टार P minus 1. P के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या करेंगे? P का वैल्यू, या मैंने कोई नेम मेंशन नहीं किया लाइक A0 या P0, जस्ट एड्रेस के थ्रू विजिट करेंगे, क्लियर? देन आपको कोई कंफ्यूज क्रिएट नहीं हो. P के प्लेस पर P का वैल्यू रिप्लेस करो. P का वैल्यू क्या है? 100. प्लस मैंने ऑलरेडी आपको बोला है अगर किसी लोकेशन का एड्रेस है ना, देन एड्रेस ऑफ सॉरी स्टार n को आप कंसीडर कर सकते हो एज अ नेम ऑफ वेरिएबल्स, क्लियर? लाइक अ वेरिएबल नेम. मींस इसकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली किसके सिमिलर है? सेम एज वेरिएबल नेम्स. जो ऑपरेशन वेरिएबल्स के लिए पॉसिबल, वो सारे ऑपरेशन स्टार एन के लिए भी पॉसिबल होंगे. पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा? 100, 100 माइनस 1. देन स्टार 100 के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे? स्टार 100 का वैल्यू इज 10, 10 माइनस 1 इज 9. फाइनली इसका रिजल्ट क्या आएगा? 9. 9 अगेन किस लोग इसमें आसान हो जाए? स्टार 100 में. स्टार 100 का न्यू वैल्यू क्या हुआ? जस्ट 9, क्लियर? नेक्स्ट केस, इसके जस्ट बाद कंट्रोल सेंड हुआ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन. आई प्लस प्लस, आई बिकम्स 1. पी प्लस प्लस, पी के केस में पी का टाइप क्या? पॉइंटर. और पी के अंदर करेंटली क्या स्टोर है? 100. वो 100 में जब 1 से इंक्रीमेंट कराओ तो इंक्रीमेंट कितने से होगा? 2 से. तो नेक्स्ट टाइम पी किसको पॉइंट करेगा? नेक्स्ट और सेकेंड एलिमेंट ऑफ द एरे. इस लोकेशन को आप नेम दे सकते हो स्टार पी, क्योंकि स्टार पी ऑलवेज उस लोकेशन का नेम होगा जिस लोकेशन का एड्रेस पी में स्टोर है. नेक्स्ट टाइम चेक कर सकते हो स्टार पी का करंट वैल्यू क्या? 20. देन अगेन कंडीशन टेस्ट होगा. कंडीशन के रिस्पेक्ट में क्या? 1 लेस देन 4, अगेन कंडीशन इज ट्रू. देन बॉडी एग्जिस्ट, बॉडी के अकॉर्डिंग स्टार पी के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे स्टार पी का करंट वैल्यू विच इज 20. 20 माइनस 1 इज 19. और 19 अगेन किस में आसान हो जाएगा? स्टार पी में. तो स्टार पी का न्यू वैल्यू क्या होगा इस केस में? जस्ट 19. जस्ट इस लूप के थ्रू एरे के सारे एलिमेंट्स का वैल्यू 1 से डिक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट टाइम अगेन परफॉर्म हुआ आई प्लस प्लस, नाउ आई बिकम्स 2. अगेन परफॉर्म्स पी प्लस प्लस, तो पी के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या हुआ? पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 104, क्लियर? नेक्स्ट वन, जैसे इसमें 104 आसान हुआ था ना, पॉइंटर के थ्रू कौन सा लोकेशन पॉइंट होगा? 104 लोकेशंस. प्लस 104 लोकेशन को एक और लॉजिकल नेम क्रिएट होगा स्टार पी. नेक्स्ट वन, स्टार पी का करंट वैल्यू अब क्या हो चुका है? 30. अगेन कंडीशन टेस्ट कराएं तो कंडीशन के केस में जस्ट आई के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे वैल्यू इज 2, इज 2 लेस देन 4. कंडीशन अगेन 2, 2 है तो फिर से स्टार पी के प्लेस पर स्टार पी का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे. स्टार पी का करंट वैल्यू 30 है, 30 माइनस 1 इज 29. आसान केस में हो जाएगा अगेन स्टार पी में वैल्यू बिकम्स 29, क्लियर? नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3. एंड पी प्लस प्लस, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 106. तो नेक्स्ट टाइम सेम पॉइंटर वैल्यू वाला पॉइंट किसको करेगा? लोकेशन 106. 106 लोकेशन का वन मोर नेम क्रिएट होगा स्टार पी. नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्ट होगा तो कंडीशन में पी आई के प्लेस पर क्या है? 3. 3 लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू. नेक्स्ट टाइम स्टार पी के प्लेस पर स्टार पी का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे 40, और इन 40 माइनस 1 इज 39. आसान किस में जाएगा? स्टार पी में. तो स्टार पी की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? जस्ट 39, क्लियर? नेक्स्ट वन अगेन आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4. एंड 4 लेस देन 4, कंडीशन बिकम्स फॉल्स. कंडीशन फॉल्स को कंट्रोल कर जाए आउटसाइड गिवन लूप. देन नेक्स्ट टाइम अगेन क्या फंड हो रहा? वन मोर लूप. लेकिन इस केस में लूप के अंदर आई का अगेन इनिशियलाइजेशन किस हो रहा? 3 से. देन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन में क्या आएगा? जस्ट 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू 3 होगा, एवरी टाइम आई में डिक्रीमेंट हो, नेक्स्ट टाइम 2, नेक्स्ट टाइम 1, नेक्स्ट टाइम 0. फाइनली जस्ट आई एस एरे के एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में ट्रेस होंगे. नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले क्या रहा? वैल्यू ऑफ
कंडीशन टू डिस्प्ले का वैल्यू ऑफ ए ऑफ 5 और आई का वैल्यू 3 है ए ऑफ 3। ए ऑफ 3 मीन्स दिस इज द ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2 एंड ए ऑफ 3। ए ऑफ 3 में करंटली वैल्यू का फाउंड 39, तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा इस केस में एज अ रिजल्ट 39। क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके साथ साथ आप डिस्प्ले करा सकते चाहो तो पी ऑफ आई ऑल्सो। पी के केस में आई मीन से अगेन इसे रिप्रेजेंट क्या हुआ, पी ऑफ आई के केस में जस्ट एक रॉन्ग हुआ, क्योंकि पी के अंदर क्या 106 लास्ट एलिमेंट, देन 3 इंडेक्स इस केस में इनवैलिड हुआ, इस टाइप से डिस्प्ले कराना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन, अगर इसके जस्ट बाद परफॉर्म किया वो आई माइनस माइनस, तो आई का वैल्यू क्या हो जाए 2, देन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज ट्रू। ए ऑफ 2 में क्या डिस्प्ले हुआ, ए ऑफ 2 में क्या फाउंड 20, मीन जस्ट एरे के सारे एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होंगे 19 एंड 9। दिस इज द आउटपुट ऑफ गिवन कोड।